आज मैं इन कौड़ियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि ये समुद्र में मिला हुआ होता है। ये कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी अगर शुक्रवार के दिन ये उपाय आप करते हैं कि कौड़ियाँ आप 7 या 11 विषम संख्या में लीजिए और इनको गंगा जल से शुद्ध करके और उसमें अक्षत कुमकुम हल्दी से आप इनका पूजा करके धूप दीप दिखा करके माँ लक्ष्मी जी के चरण में रख दीजिए और उसके दूसरे दिन आप उसको उठा करके एक पोटली बना लीजिए लाल कपड़े में या पीला कपड़े में और धन के स्थान पे अगर आप इन कौड़ियों को रखते हैं तो लक्ष्मी माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं, घर में धन धान से परिपूर्ण रहता है घर। और अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है और बन नहीं रहा है तो आप विश्वास के साथ अपने जेब में लाल कपड़ा में लपेट करके या पीला में लपेट करके अपने पर्स में हमेशा रखिए। आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, धन की वर्षा होगी। और ये उपाय आप लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगता है। ये बाज़ार में आसानी से कौड़ियाँ मिल जाती है और सस्ता भी है। इन कौड़ियों को अगर आप छेद करके बच्चों के कमर में बांधते हैं तो बच्चों को नज़र नहीं लगती है। इन कौड़ियों को अगर आप अपने द्वार पर 5 लेकर के जिस तरह से हमने विधि बताया है उसी तरह से पूजा करके एक पोटली बना करके अपने मेन द्वार पर किसी की नज़र न पड़े वहाँ आप अगर बांध के लटका देते हैं किसी तरह से तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। इन कौड़ियों का बहुत विशेष महत्व है। आप लोग इनको करके अजमाइए। मैं अजमा चुकी हूँ, मेरे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा है और हम चाहते हैं सबका ऐसा ही घर बना रहे और सबको इसका लाभ मिले। राधे कृष्णा चैनल में मैं ये उषा तिवारी आप सबको ये मैसेज दे रही हूँ, कौड़ियों का उपाय अवश्य कीजिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़ाइए ताकि और सबको भी ये सीख मिले। जय श्री कृष्णा, जय श्री।